हर जिले के कारम डैम पर दरार की सूचनाओं के बाद प्रशासनिक अमले शासन सरकार की मौजूदगी में डैम से चैनल बनाकर पानी को निकालने का मामला पूरी तरह सफल हो जाने के बाद पानी सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला गया। बिना जनहानि के इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया गया जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया कमलनाथ आज कारम डैम पर पहुंचे। क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्होंने कारम डैम का परीक्षण किया। साथ ही हवाई सर्वेक्षण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दूधी पहुंचे, जहां प्रभावित लोगों से मिले एवं बातचीत की। जो दिख रही है ना, ये पूरे पत्थर पत्थर हो गए, पूरी जमीन साफ है, पूरी साफ है। यहाँ से वहाँ लग 10 बीघे जमीन है, सब बह गई, पूरा नष्ट हो गया, कमाई भी नहीं कर सकते। वीडियो बना रहा है, ये मेरी खेती है, मेरा काम है। तो आगे भी खेती नहीं होती क्योंकि यहाँ तो सब पत्थर आ गए, जिनकी भर के लिए नहीं होगी, जिनकी भर के लिए नहीं होगी। आप भी देख लो ना, ये जो है सामने है, मेरे पास रहने के लिए जमीन भी नहीं है और अभी भी मेरे बीबी बच्चे हुए नदी के लड़के में पड़े हुए। तो अभी कहाँ बसे हो? अभी वहीं पे, अब क्योंकि बारिश के कारण हुए, उनको रखने के लिए तो व्यवस्था नहीं है, सर कोई व्यवस्था नहीं करी। मिट्टी भी भेज गई है, पूरा पत्थर आ गया। हाँ, ये तो दिख रहा है, पूरी मिट्टी भेज गई, फसल गई, मिट्टी गई, घर गया। 5 से 3 से जंगलों में रह रहे थे, प्लास्टिकों में रह रहे थे, अभी पहाड़ी पे थे। पहाड़ी और कोई आया? शासकीय अधिकारी आया? शासकीय अधिकारी अभी तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी कोई भी नहीं, सर्वे वगैरह कहीं भी नहीं। वही हम तो आपको मिलने आए हैं। आप आए हैं, हम करेंगे। देखिए, आप जानते हैं सरकार तो बीजेपी की।